फ्रॉम शांति आज 11 अप्रैल 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 10 दिसंबर 1987 के महावाक्य हैं तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउमीद अति गरीब समझ असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतने बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सुधन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर यानी करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा मालामाल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही देहत का बाप है जो धन का भी सौदा करते मन का भी सौदा करते तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा। चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है? क्या किया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी।
एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़ों वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया, तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है, सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे, दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिकर वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिकर वाले बादशाह है। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिकर बादशाह हो, बैगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बैगर टू प्रिंस, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नंबर वन धनवान आसामी है, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहाँ संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह भी सोच रहे हो, कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है। जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं, छोटी बात को बड़ी बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहजाए हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से
सौदा कर लिया पांडवों ने, पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है, सौदा तुम सबने किया, लेकिन सब बात में नंबर वार होते हैं। बाप ने तुम सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबर वार देने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहा अष्ट रत्न और कहा 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया, सौदा करने में तुम एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी व किसको एक गुण व किसको सर्वगुण दिया, यह अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्व शक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्व शक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहीं तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर वन सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं, उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं, वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे, स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर वन अर्थात मनन शक्ति के खजाने के अनुभवी बन अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान
नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति जो गुण जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता, जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा, या तकिये के नीचे होगा, न खुद कार्य में लाएगा, न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा, न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं ले आना, तकिये के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज ना करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें कैसे करें इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर वन वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यानी शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इस विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें। अभी शक्ति नहीं है तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम तो है, लेकिन धनवान तुम नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रूह रिहान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तुम नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा, मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी। इसलिए रोज सुनाते रहते हैं, चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर
अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्योदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले होना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो जो कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले होना। अच्छा वरदान है संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले, 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है पावरफुल वह है।